दोस्तों, मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ। आज है यहाँ पर इंडिया में सवेरे 8:12 हो रखे हैं और है मई की 21 तारीख। तो स्नेहा पाटिल के हस्बैंड जुड़े हुए हैं। क्या नाम है? बहुत सबका नाम भूल गया। पूरा पाटिल क्या है? हितेश पाटिल, राजेश राजेश पाटिल राजेश राजेश पाटिल। आप रहते हैं न्यू ब्रंसविक में, मॉन्गटन में कहीं? और आपका वाइफ का वीज़ा एक बार रिफ्यूज़ हो चुका था, तो उसके बाद आपने जीसे में नोट्स भी निकाले, विस्टर वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, फिर दोबारा इम्प्रूवमेंट करके आपने फाइल लगाई है, तो अब आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया है। तो इम्प्रूवमेंट क्या करी आपने पहले से दूसरे में? क्या इम्प्रूवमेंट डाली आपने? वही सर। पहला पहले हमने एप्लीकेशन डाला था नवंबर में। उसके बाद में फिर उसके वो एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस में चल रहा था, तो उसके साथ ही फिर मैं साथों साथ रिजल्ट नहीं आ रहा था। कोरोना की वजह से स्लो हो गया था प्रोसेस बहुत, तो इसलिए फिर विजिट वीज़ा डाला था कि विजिट वीज़ा तो भी हो जाएगा। वैसे तो विजिट वीज़ा तो कुछ हुआ नहीं, उसका तो रिफ्यूज़ल आ गया था। फिर आपको किसने उस कहा था कि विजिट वीजा डालो? नहीं, किसी ने बोला नहीं था। वैसे मेरा और वाइफ का डिस्कशन हुआ था, तो हमने सोचा कि इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एटलीस्ट अगर वो हो जाएगा तो फिर आ तो भी सकते हैं यहाँ पे, ऐसा ये सोच के हमने डाला था, खुद ही डाला था हमने वो। बट उसके बाद में फिर वो उसका रिजल्ट आया, तो उसने एक्सप्लेनेशन लिया, तो एक्सप्लेनेशन में भी यही आया कि आपका पर्पज ऑफ विजिट क्लियर नहीं है आपका, इसलिए आपको अभी इस टाइम पे आपको परमिशन नहीं मिल सकते आने की। ठीक है, ठीक है। तो चलिए फिर, वीज़ा तो आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ गया है, तो और क्या है? क्या मेरे लिए क्या क्वेश्चन है? बस सर वही कि अभी जब अभी आएंगे वहाँ पे, नेक्स्ट मंथ में प्लान है आने का। सो वहाँ पे क्या वर्क परमिट इशू करते वक्त कुछ क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी करने चाहिए, और क्या क्वेश्चनिंग वगैरह हो सकता है वहाँ पे, वो आप पूछना था। टेंशन टेंशन मत लो, रिलैक्स 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 रहो, वो आएगी आराम से, और उससे कोई सवाल ज़्यादा पूछने वाले नहीं है। अगर ज़्यादा ज़्यादा आपको कुछ ले जाना है तो अपने नौकरी के कागज़ और बैंक के कागज़, जो फंड्स जो अपने स्टेटमेंट लगाई है वो ले चलो। मैरिज सर्टिफिकेट तो है ही आपके पास, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। स्पाउस वीज़ा में एक बार वीज़ा मिल जाए, एयरपोर्ट में इतनी इंक्वायरी करते नहीं है जब तक कोई शक वाली बात नहीं हो। तो आपकी तो मैरिज भी पुरानी है और आपकी वाइफ भी शायद ऑप्टोमेट्रिस्ट है, राइट? वो प्रोफेशनल है, तो ऐसी कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। एक बार वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है उसका, तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 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 सिर्फ वो दो तीन चीज़ें इम्पोर्टेंट होती। वही वही ये था कि क्या पूछते हो वहाँ पे, वही मेन क्वेश्चन था आपसे। आप घबराए ना यार, आप टेंशन ना लें, रिलैक्स करें आप। कब की फ्लाइट है उसकी? हाँ उसकी सर जनवरी में, सॉरी जून में, 13 जून को। 13 जून को जल्दी जा रही है, गर्मी पूरी निकाल तो ले। गर्मी अच्छी अच्छी पूरी इंडिया में चल रही है, बहुत टॉप की गर्मी चल रही है। मैंने उसको वही बोला कि आप बताते भी थे पहले वीडियो में, हम देखते थे ना आपके, मैं 5-6 साल से आपके वीडियोस फॉलो कर रहा हूँ, जब से प्लान बना था यहाँ पे आने का तब से। तो आपने बोला था कि यहाँ पे गर्मी होती नहीं बिल्कुल भी, सो मैंने भी रियलाइज किया। अभी मैं एक 9-10 महीने से हूँ यहाँ पे पिछले, सो बहुत इंडिया जैसे गर्मी तो होती नहीं है, बट बहुत मुश्किल से पसंद आता है यहाँ पे, तो वो तो आपने सही सर कहा मैं बिल्कुल। आपको एक चीज बता दूं आपको, और आपको और हजारों लोग और जो वीडियो को देख रहे हैं उसको बता दूं कि इंडिया की गर्मी और कनाडा की गर्मी में फर्क बहुत है। जी जी बिल्कुल इंडिया बिल्कुल की इंडिया की गर्मी गर्मी तो है, पसीना आएगा, प्यास लगेगी और जी घबराएगा और धूप निकलेगी, लू चलेगी, वो सब तो है। लेकिन इंडिया की गर्मी पसीना निकाल के आपके शरीर की शुद्धि कर देती है, आपके बिल्कुल शरीर को हल्का कर देती है, और सारे जितने भी आपके जो स्किन में जो पोर्स हैं जहाँ से पसीने निकलते हैं वो निकाल के बिल्कुल आपके स्किन को नॉर्मल और बिल्कुल जेंटल कर देती है। ये डॉक्टरों जी से भी सर पूछ सकते हो जी आप। ये लेकिन कनाडा की गर्मी ऐसी है कि धूप तो तेज लगेगी। मैं तो अपने अल्बर्टा एडमंटन की बात बता रहा हूँ, पता नहीं आपके वहां पर क्या है। धूप तो जी लगेगी, धूप बेचैन करेगी, लेकिन पसीना नहीं आएगा, तो इसलिए वो हेल्दी नहीं है। और जी कनाडा में तो आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, इंडोर्स कहीं पर भी हैं, रिटेल में कहीं भी काम कर रहे हैं, तो वहां पर हर एक टाइम आप एक आर्टिफिशियल उसमें एक सराउंडिंग में रहते हैं, और जी आपका आपकी बॉडी इतनी एक्टिव हो नहीं पाती अनलेस यू गो टू अ जिम और समथिंग। तो राइट
अगर अगर किसी को फायदा लेना है, बहुत लोग ये सोचते हैं कनाडा में कि भाई छुट्टी है तो हम सर्दियों में जाएंगे, इंडिया में आराम से जाएंगे सर्दियों के टाइम में, जहाँ जाती ठंड नहीं होती, और लेकिन गर्मी में आने का ज़्यादा फायदा है। और मैं तो गर्मी गर्मी हो रही है अभी, तो मैं तो अभी इंडिया में ही हूँ, आपको पता ही है। तो मैं तो यहाँ पर बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, यहाँ पर ठंडे ठंडे, यहाँ पर वो मैंगो शेक और तरबूज क्लाइमेट का। का तो बहुत मतलब सर जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, मतलब यहाँ पे आने के बाद बहुत सर्दी जी में वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं तो जून पूरी जुलाई यहाँ में तो से बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं तो पूरी गर्मी निकाल के आऊंगा वापस, अभी जल्दी आने को मेरे को नहीं है। पूरी गर्मी निकाल के आराम से जुलाई तक, यू नो होपफुली जुलाई तक, जब मैं मॉनसून वॉनसून शुरू हो जाएगा तब मैं आऊंगा। तो बाय द जी वे, तो मतलब इंडिया कांग्रेचुलेशंस का जी ऑन योर वाइफ सक्सेस। और कोई आप घबराने की थैंक यू बात थैंक नहीं यू। है, टेक इट ईजी, बिल्कुल आराम से वो आएगी, उसको कोई 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 परेशानी नहीं होने वाली। जी जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर, एडमिंटन साइड में आऊँगा तो जरूर आपको मिलता हूँ। एक्चुअली मेरा डिस्टेंस बहुत है यहाँ से, मैं तो सर जी, आपको आप उस साइड में लोग रहता हूँ ना, वेस्ट साइड में। कहते ही कहते हैं एडमिंटन में आना, कनाडा में आप उधर अटलांटिक में रहते हैं, वहां आने जाने के लिए कम से कम 6 घंटे की फ्लाइट लगेगी, इस कम से कम छः घंटे जी सर, मतलब ये बहुत ही इस साइड में पड़ता है पूरा, और आपका वेस्ट साइड में आ जाता है, मतलब मेरे इतनी साइड में। जी इतनी दूर है, इतनी दूर है जी वहां से, कि जितनी दूर में दिल्ली से उठ के आप सिंगापुर पहुंच जाओगे, इतनी दूर है। जी दो तो बार हाँ मुंबई दिल्ली कर सकते हैं, इतना दूर है डिस्टेंस, हाँ दूर बहुत बहुत ज्यादा है। अच्छा है। कनाडा में क्या है, किसी के पास टाइम ही नहीं है, किसी के पास कनाडा में सिर खुजाने तक को टाइम नहीं है। कोई कोई अपने दिहाड़ी में, नौकरी में, कोई अप डाउन इधर, ये द फैक्ट जी इज जी सर, के यहाँ पे मतलब परफेक्ट एकदम बिजी हो जाता है आदमी पूरा पूरा। जी द फैक्ट इज के अगर आपको टाइम चाहिए, खाली टाइम चाहिए, तो इंडिया आओ, यहीं पर इंडिया खाली टाइम मिलेगा। वो तो है सर बिल्कुल, आप मतलब आपने जो भी कहा वो बहुत, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, जो कि आपने मतलब उस हिसाब से हमने, मैं पिछले 5 साल से प्रिपेयर कर रहा था सारी चीज़ें, स्टडी वीज़ा का ये सब सब, आपके वीडियोस काफ़ी वीडियोस देखे मैंने, इंफॉर्मेटिव वीडियोस है आपके, तो उसके रिलेशन में ही मैंने आके यहाँ पे सारा ये किया। तो मतलब मेरा ट्राई तो कब का चल रहा था, बट मुझे तब से मैंने सारे डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह सारा, और जैसे हमारा मतलब प्री मैरिज से ही हमने प्रिपरेशन करना शुरू किया था आपके वीडियो देख के, कि जैसे आपने बोला था कि पासपोर्ट में नाम चेंज करा लीजिए, आधार कार्ड में नाम चेंज होना चाहिए, बैंक अकाउंट ज्वाइंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें देख के देख के देख के फिर वो, क्योंकि उसको बहुत टाइम लगता है। मतलब मैं भी ये मैसेज देना चाहूँगा कि जब अगर आप करते हो तो प्रिपरेशन पहले से आपको डॉक्यूमेंट सारे स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए, ताकि फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ये आपका आपका मतलब खर्चा स्पेशल आपका खर्चा कितना लगा? $375 लगा ना खर्चा, और तो खर्चा लगा नहीं आपका और इसमें करने में। जी नहीं, जी वही अपना गवर्नमेंट का जितना फीस होता है उतना, अपना 355 उसका फीस, बायोमेट्रिक्स वगैरह सारा मिला के वो, और तो कई लोग मेरे को गवर्नमेंट का पूछते कैनेडियन का। कई लोग मेरे को पूछते हैं कि आप जी बात सर करने के पैसे लेते हो, तो बात करने से आपको कुछ फायदा हुआ है ना कुछ? जी सर बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मतलब आपका जो नॉलेज है वो, मतलब आपने जो बताया, जो पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई, उससे काफी मतलब बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ मतलब इसका, क्योंकि ये स्पाउस वीजा का कैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये होता है ना, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, स्कैनिंग भी बहुत ज्यादा होता है इसमें, जैसे कि आप न, मतलब जो बहुत सारे फ्रॉडेंट एक्टिविटीज भी होते हैं ना मैरिज के साइड में, तो इसलिए वो काफी स्कैनिंग कर लेते हैं आईआरसीसी के लोग एज कम्पेयर टू स्टडी वीजा वगैरह इस साइड में। तो वो मतलब मेरा तो यही कहना कि सारा पूरा मतलब आप डॉक्यूमेंट वगैरह सारे स्ट्रॉन्ग रखो आपके, तो आपका मतलब फाइल में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, अगर थोड़ा भी वीक हुआ तो फिर प्रॉब्लम आ सकता है। जी ठीक है जी, थैंक यू, हे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग, थैंक एंड यू आई सर, विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर यू एंड योर वाइफ। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, गुड बाय। बाय।